हेलो स्टूडेंट हम लोग कुछ कॉमन डिफिनीसन देखेंगे जो बहुत डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजन वेरी कन्फ्यूजन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग वो वर्ड से कन्फ्यूज कन्फ्यूजन हो जाता है कन्फ्यूजन का मतलब कि क्वेश्चन गलत होना तय है या गैस करने पे भी क्वेश्चन वो ऑप्शन गलत ही लगता है तो हम लोग कुछ डिफिनीसन क्लियर कर लेते हैं जैसे दिया सेफसेस दिया गया है एसेपस दिया गया है एसेप्टिक दिया गया है और एंटीसेप्सिस दिया गया है तो सेप्सिस फर्स्ट दिया गया है सेप्सिस सेप्सिस का मतलब होता है परजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन दियर टॉक्सिक प्रोडक्ट इन द टिश्यू ऑफ पेशेंट किसी भी पेशेंट के टिश्यू में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का परजेंस होना पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन किसे कहते हैं डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं जो डिजीज काज करते हैं वो उसी को पैथोजेनिक आर्गनिज्म कहते हैं तो सेप्सिस सेप्सिस मतलब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गनिज का प्रजेंट होना दूसरा देखते हैं एसेप्सिस ए, ए अगर लग गया तो मतलब ऑब्सेंट ए बी एस ई एन टी ऑबसेंट तो क्या हो गया डी ऑब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गनिज्म इन लिविंग टिश्यू लिविंग टिश्यू में पैथोजेनिक माइक्रोआर्गनिज का अप्सेंट होना ऑप्शेंस मतलब ऑबसेंट होना तो उसको एसेप्सिस कहते हैं थर्ड दिया गया है एसेप्टिक टेक्निक एसेप्टिक टेक्निक सेप्टिक दिया गया है यहाँ सेप्सिस दिया गया है यहाँ सेप्टिक दिया गया है सेप्टिक मतलब साफ कर देना सेप्टिक दी क्लीन प्रैक्टिस यूज टू रिमूव रिमूव कर दीजिए हटा दीजिए डिस्ट्रॉय पैथोजेंस पैथोजन को मार दीजिए एंड टू प्रीवेंट दियर स्प्रेड फ्राम वन एनिमल एक एनिमल से दूसरे एनिमल या पीपल में तो एसेप्टिक टेक्निक में क्लीन प्रैक्टिस यू रिमूव या डिस्ट्रॉय पैथोजन थर्ड हम लोग देखेंगे थर्ड क्या है थर्ड है एंटी सेप्सिस एंटी सेप्सिस का मतलब एंटी सेप्सिस सेप्सिस यहाँ भी था यहाँ से, यहाँ सेप्सिस था यहाँ एंटीसेप्सिस है तो एन टी का मतलब सेप्सिस के अपोजिट प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस सेप्सिस को प्रिवेंट रोक देना बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या डिस्ट्रक्ट करके इनहिबिशन ऑफ माइक्रो आर्गनिज यूजिंग एन एजेंट दैन दैट मे बी सेफली अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू माइक्रो आर्गनिज को इनहिबिट करके डिस्ट्रक्शन करके उसका सेप्सिस को प्रिवेंट करना नेक्स्ट दिया गया है एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक क्या होता है एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक क्या होती है एंटी सेप्टिक एंटीसेप्टिक सेप्टिक ये केमिकल एजेंट कोई भी केमिकल एजेंट यूज करके दियर किल्स पैथोजन पैथोजन पैथोजेनिक माइक्रो आर्जन का मार देना इनिमिनेट लिविंग टिश्यू किसी भी लिविंग टिश्यू पे पैथोजेनिक माइक्रो आर्जन को मार देना एंटीसेप्टिक कहलाता है जैसे एंटीसेप्टिक का एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दिय, दिया गया है क्लोरा एक्जीडीन टेंट दिया गया है डिसइनफेक्टेंट ये जर्मिसिडल केमिकल सब्सटेंस सब्स्टें, जर्मिसिडल केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए दैट किल्स ये भी मार देता माइक्रोआर्गनिज्म इन इनमिनेट इनिमिनेट मतलब नॉन लिविंग नॉन लिविंग टिश्यू पे ऑब्जेक्ट पे तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है ग्लूटरल डिहाइड थर्ड क्या दिया गया है डिसइनफेक्शन डिस इन्फेक्शन रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी दियर स्पोर्स एंड वायरस फाउंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर आवश्यक नहीं है कि स्पोर एंड वायरस को सिर्फ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या रिमूव कर देता है क्या उसको कहते हैं डिसइनफेक्शन थर्ड ये एक दिया गया है इस्टेलाइजेशन इस्टेलाइजेशन तो सभी माइक्रो आर्जिन को हटा देता है कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ माइक्रोबियल वायबिलिटी इंक्लूडिंग वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पोर्स बाई फिजिकल और केमिकल मीन्स फिजिकल या केमिकल मीन्स के थ्रू कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ माइक माइक्रोबियल वायबिलिटी उनके माइक्रोबियल वायबलिटी को कंप्लीट इलिमिनेट हटा देना इस्टेलाइजेशन टेक्निक के थ्रू होता है